आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जो आपको अपने चैनल पे अभी के अभी कर लेने चाहिए। अगर आप नहीं करते हो तो आपका YouTube वीडियो कभी वायरल होगा ही नहीं। तो इस वीडियो को पूरी देखो और ये सेटिंग्स कर लो। तो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस इस वीडियो पे बने रहो और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है अपना गूगल क्रोम ब्राउजर, ठीक है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन मिल जाता है, तो साइन इन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो आपसे आपको ईमेल आईडी पूछा जाएगा, तो आपको ईमेल आईडी वही वाला डालना है जो जिससे कि आपका यूट्यूब अकाउंट है, ठीक है, यूट्यूब चैनल है। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, मेरा इसी से है तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ये समय लेगा, इंटरनेट के ऊपर ये डिपेंड करेगा, ठीक है। तो देख सकते हो हमारा यहाँ पे जीमेल आईडी लॉगिन हो चुका है। लॉगिन हो जाने के बाद हमको यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम लोगों को सर्च करना है पाइटी स्टूडियो, ये लिखना जैसा मैं लिख रहा हूँ, सेम टू सेम यही चीजें लिखना और हमको सर्च पे क्लिक कर देना है। इतना लिखने के बाद उसके बाद आपको क्लिक करना है, यहाँ पे देख रहा हूँ सबसे पहला वेबसाइट जो खुल के आया है यूट्यूब स्टूडियो, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो अगर आपने पहले से YouTube स्टूडियो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखा है, ये वाला एप्लीकेशन, तो ये आपको ओपन हो जाएगा। तो अभी हमको अपने चैनल का सेटिंग्स करना है, तो इस एप्लीकेशन को यहाँ से अनइंस्टॉल कर देना, ठीक है। बाइटी स्टूडियो एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देना। अनइंस्टॉल करने के बाद फिर से आपको क्रोम ही ओपन करना है, तो यहीं पे हम लोग पहुंच जाएंगे जो वेबसाइट हम लोगों ने बाइटी स्टूडियो खोल के रखा था। तो सिंपली आपको इसी लिंक पे क्लिक कर देना है, बाइटी स्टूडियो पे क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा, तो ये नीचे से इसको कट कर देते हैं और नीचे देखोगे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है कंटिन्यू टू स्टूडियो, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा, तो देख सकते हो ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। तो इसको आपको सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं जूम कर दे रहा, यहाँ पे देखो कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, तो ये जो आपको यहाँ पे पॉपअप वगैरह दिख रहा है, फर्स्ट टाइम खोलोगे ना वेबसाइट पे तो आपको ऐसा दिखेगा, तो इसको सिंपली क्लोज कर देना है। जितने भी आ रहे हैं सिंपली सबको क्लोज कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको आना है नीचे, देख सकते हो यहाँ पे कोने में नीचे देखोगे तो आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, तो सेटिंग वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको ऑप्शन दिखेगा इतने सारे, तो सिंपली आपको क्लिक करना है चैनल वाले ऑप्शन पे। चैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इस साइड देखोगे तो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, मैं यहाँ से जूम कर देता हूँ इसको ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। चैनल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है कंट्री ऑफ रेसिडेंस, तो मतलब आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इंडिया से हूँ, तो इस पे आपको क्लिक करना है कंट्री ऑफ रेसिडेंस वाले ऑप्शन पे, इस पे क्लिक करना है और आप जिस भी कंट्री से हो उस कंट्री को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं इंडिया से हूँ तो यहाँ से यहाँ पे मैं देखूंगा इंडिया कहाँ पे, तो ये देख सकते हो यहाँ पे आपको इंडिया देखने को मिल जाता है, तो इंडिया को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। उसके नीचे आपको देखने को मिल जाता है कीवर्ड्स, तो कीवर्ड्स पे क्लिक करना है और कीवर्ड्स में अपने चैनल का नेम लिखना है, ठीक है। जैसे मेरा स्टोरी डायरी चैनल है तो मैं यहाँ पे यही चीजें लिखूंगा, तो कुछ इस तरीके से लिखना है स्टोरी डायरी और इसको बदल बदल के लिखना है, ठीक है। जैसे कि देखो इस वाले में मैंने लिखा स्टोरी डायरी तो लिख दिया, लेकिन फर्स्ट लेटर को मैंने बड़ा रखा है और दूसरे वर्ड को फर्स्ट लेटर को मैंने बड़ा रखा है। इतना लिखने के बाद आपका नीचे जो कीवर्ड पे जो इंटर का ये बटन दिख रहा है, इस पे एक बार आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको फिर से लिखना है सारे स्टोरी डायरी, फिर से लिखना है और इस बार सारे को हम लोग छोटा करके लिखेंगे, ठीक है, स्टोरी डायरी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और अब जो लिखेंगे हम लोग इसको सटा करके लिखेंगे, कोई भी स्पेस वगैरह नहीं देंगे और सारे के सारे कैपिटल लेटर में लिखेंगे, तो कुछ इस तरीके से। मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ आपको भी अपने चैनल में सेम टू सेम चीजें कर लेनी है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे एक बार और लिख सकते हो स्टोरी, देख सकते हो बिल्कुल कैपिटल लेटर में और बीच में एक स्पेस दे देना और फिर से लिख देना है डायरी, ठीक है। आप इसको अपने माइंड से जिस जितने तरीके से लिखना चाहते हो लिख सकते हो, ठीक है, बस सेम टू सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट करके लिखना है, इससे क्या होगा आपका चैनल को कोई सर्च करेगा तो आपका चैनल सबसे ऊपर शो करेगा, ठीक है, सर्च लिस्ट में। इतना करने के बाद फिर हम लोग चलेंगे, यहाँ पे देख सकते हो इसके साइड में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है एडवांस सेटिंग्स, तो इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे लिख रहा है
डू यू वॉन्ट टू सेट योर चैनल एज मेड फॉर किड्स, तो यहाँ पे आपको सिंपली ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, नो सेट दिस चैनल एज नॉट फॉर किड्स, बीच वाला ऑप्शन, ठीक है। इतना करने के बाद आपको इसके साइड में एक और ऑप्शन मिल जाता है, फीचर एलिजिबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन जो है स्टैंडर्ड फीचर्स है, तो ये तो आपका अगर आपने नया चैनल अभी जस्ट बनाया है तो आपका ये फर्स्ट टाइम इनेबल रहेगा, ठीक है, पहले से ही ये वाला इनेबल रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन स्टैंडर्ड फीचर वाला। सेकंड ऑप्शन पे आपको मिल जाता है इंटरमीडिएट फीचर्स, तो यहाँ पे आपको क्या क्या ऑप्शन है, यहाँ पे आपको बोलेगा आपका फोन नंबर वेरीफाई करने के लिए, तो फोन नंबर वेरीफाई करने से आपको फायदा ये है कि आप अपने यूट्यूब चैनल पे 15 मिनट से ज्यादा की वीडियो को अपलोड कर सकते हो। अगर आपने फोन नंबर वेरीफाई नहीं करा है तो 15 मिनट से ज्यादा के वीडियो नहीं अपलोड कर सकते आप, ठीक है। और दूसरा फायदा यह है कि आप अपने चैनल पे कस्टम थंबनेल्स लगा सकते हो, अगर आपने फोन नंबर वेरीफाई कर लिया तो अपने वीडियो पे थंबनेल वगैरह लगा सकते हो, अगर नहीं है तो नहीं लगा सकते। और तीसरा फायदा आपका यह है कि आप अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हो, अगर आपने फोन नंबर वेरीफाई कर रखा है तो। तो फोन नंबर को वेरीफाई करने के लिए सिंपली क्लिक करना है आपको, ये देख सकते हो वेरीफाई फोन नंबर, यहाँ पे जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा और आपको लेकर के चला आएगा आपके क्रोम ब्राउजर पे, ठीक है। तो आप जिस भी कंट्री से हो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं इंडिया से हूँ तो आपको यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, तो ये रहा इंडिया, यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेना है और उसके नीचे आपको अपना नंबर टाइप कर देना, जैसे कि आपका जो भी नंबर हो रेंडमली मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ, ये मेरा नंबर नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको अपना नंबर ही टाइप करना है। यहाँ पे टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा ऑप्शन ये गेट ओटीपी, ये दिख रहा है यहाँ पे देख रहा हो, ये गेट ओटीपी आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को यहाँ पे पुट कर देना है। मेरे पास एक्स्ट्रा नंबर अभी है नहीं कि मैं आपको वो चीजें करके दिखा दूं, ठीक है। ओटीपी आने के बाद आपको डन कर देना है, तो आपका फोन नंबर वेरिफिकेशन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है आपका दो टैब ओपन हो चुका है, तो इस पे जो दो लिखा हुआ है इस पे एक बार क्लिक करना और एक टैब को कट कर देना है, जिसमें फोन नंबर वेरिफिकेशन वाला ये वाला टैब को कट कर देना है, ठीक है। कट करके आपको वापस से पहले वाले पे आ जाना है और आपको यहाँ पे फिर से देखने को मिल जाता है तीसरा ऑप्शन है एडवांस फीचर। इसमें क्या होगा कि अगर आप देख सकते हो यहाँ पे इलिजिबल नहीं है, अगर आपको इसको इलिजिबल करना, तीन तरीके से आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। पहला ये है कि आपको वीडियो वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, एसएस फीचर्स पे आप जब फोन नंबर वेरीफाई कर लोगे उसके बाद ये आपका ऑप्शन यहाँ पे एसएस करने के लिए आएगा। तो इसको वेरीफाई करने के लिए आपको एक वीडियो बना करके, मतलब कि अपने फ्रंट कैमरा से आपको एक वीडियो बनानी है फेस का और उसको आपको YouTube को अपलोड करके देना पड़ेगा, तो वहां से वो मैच करेंगे और आपका ये वाला फीचर इनेबल कर देंगे। ये तो हो गया फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपके पास एक ये भी है कि एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए आपके पास, तो इस पे जैसे कि यहाँ पे देख रहा हूँ क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखता है टेक ए फोटो ऑफ योर वैलिड आईडी। तो वैलिड आईडी में आपको क्या देना है, ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पे पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस ही चलेगा। पहले पैन कार्ड का भी ऑप्शन आता था बट अब वो हटा दिया गया, ठीक है। तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपको यहाँ पे दिया जा रहा है पासपोर्ट, ये दो ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जा रहे हैं, या फिर आपका चैनल हिस्ट्री, या फिर आप लंबे, अगर आपके पास ये दोनों चीजें नहीं है, ऊपर से ये दोनों चीजें अगर नहीं है, वीडियो वेरिफिकेशन आप नहीं करवाना चाहते या फिर वैलिड आईडी भी आपके पास नहीं है, तो बस आप अपने यूट्यूब पे कंटिन्यूसली वीडियो डालते रहो, मतलब वीडियो अपलोड करते रहो, ऑटोमेटिक ये अपने आपके चैनल हिस्ट्री को रिकॉग्नाइज करेगा और आपका ये इनेबल हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। बस आपको अपने चैनल पे कंटिन्यूसली काम करते रहना है, ठीक है। ये तीनों करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो नीचे आपको एक सेव का ऑप्शन दिख रहा है, इतनी सेटिंग्स करने के बाद आपको सेव वाले पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करोगे तो नीचे देख रहे हो लिख करके आ चुका है सेटिंग सेव, यहाँ पे देख सकते हो चला गया अभी वो पॉपअप। इसके बाद आपको फिर से क्लिक करना है इसी सेटिंग वाले ऑप्शन पे, सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वही सारे ऑप्शन आपको फिर से दिख जाएंगे। उसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पे अपलोड डिफॉल्ट का एक ऑप्शन दिख रहा है, अपलोड डिफॉल्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो आपके सामने इतने सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पूछा जा रहा है टाइटल, तो टाइटल अगर आप यहाँ पे जो भी लिख दोगे तो अगला वीडियो जो भी आप फ्यूचर में अपलोड करोगे अपने अपने चैनल पे,
तो उसमें ऑटोमेटिक वही टाइटल लिख करके आ जाएगा जो आप यहाँ पे टाइप कर दोगे, ठीक है। तो ये चीजें मत करना क्योंकि बिकॉज आपके वीडियोस के सारे वीडियोस के टाइटल तो एक होंगे नहीं, तो यहाँ पे लिखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हो क्योंकि हर डिस्क्रिप्शन में अगर आप अपने इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप या फिर किसी तरीके से कॉन्टैक्ट देना चाहते हो तो आप अपना यहाँ पे कॉन्टैक्ट वगैरह डाल सकते हो, ठीक है। तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो भी आप अपने फ्यूचर वीडियोस डालोगे उसमें, ठीक है। ऑटोमेटिक जैसे ही वीडियो डालोगे उसमें डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक ये लगा देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो एक विजिबिलिटी का ऑप्शन है, तो जब भी आप वीडियो अपलोड करते हो तो आपसे पूछता है कि इसको पब्लिक कर देना है, अनलिस्टेड रखना है या फिर प्राइवेट रखना है, तो विजिबिलिटी को आप लोग यहाँ पे जरूर से सेट कर लेना। तो सेट करने के लिए इस पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इसको अनलिस्टेड कर देना है, ठीक है। क्योंकि जब भी आप वीडियो अपलोड करो तो उसको अनलिस्टेड में ही करो, ठीक है, डायरेक्ट पब्लिक मत करो। तो अनलिस्टेड कर देना है, अनलिस्टेड करने के बाद आपको क्लिक करना है इधर एडवांस सेटिंग्स पे, ये मेन चीज है, यहाँ पे भी ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मिल जाता है लाइसेंस का ऑप्शन, देख सकते हो, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, तो पहला आपको यहाँ पे दिख रहा है लाइसेंस, स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस यहाँ पे लगा हुआ है पहले से। और एक आपको ऑप्शन दिखता है क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन, तो क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन कभी मत करना, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप जब अपने YouTube चैनल पे वीडियो अपलोड करोगे और क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन को सेट करते हो तो आपके चैनल का वीडियो कोई भी मतलब कोई भी डाउनलोड कर लेगा और उसको अपने वीडियो पे अपलोड करके वो पैसे कमाएगा, तो ऐसा नहीं करना। अगर आप देना चाहते हो अपनी वीडियो तो कोई बात नहीं है, देना चाहते हो अपनी वीडियो दूसरों को की यूज करें तो क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन सेलेक्ट कर लेना। अगर आपको नहीं देना है तो स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस ही रहने देना है। उसके बाद अगर इधर थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको दिख जाता है कैटेगरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है। अगर आप ये नहीं करते हो तो आपका चैनल कभी ग्रो होता ही नहीं है क्योंकि यूट्यूब एल्गोरिदम को ये चीजें समझ में ही नहीं आती कभी कि आप किस रिलेटेड वीडियो बना रहे हो, ठीक है। तो कैटेगरी पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद अगर आप कॉमेडी वीडियो बना रहे हो तो यहाँ पे देख सकते हो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आप एजुकेशनल वीडियो बना रहे हो तो एजुकेशनल रख लो, इंटरटेनमेंट वीडियो बना रहे हो तो आपको यहाँ पे इंटरटेनमेंट सेलेक्ट कर देना है। और यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि स्टोरी वीडियो को कौन से कैटेगरी में रखे, तो स्टोरी वीडियो का कैटेगरी होता है इंटरटेनमेंट, ठीक है। तो आपको इंटरटेनमेंट कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद आप थोड़ा सा और नीचे आओगे तो यहाँ पे पूछ रहा है लैंग्वेज एंड कैप्शन सर्टिफिकेशन, तो वीडियो लैंग्वेज पे आपको देख सकते हो जिस भी लैंग्वेज पे आप अपना वीडियो बना रहे हो उसी लैंग्वेज को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो वीडियो लैंग्वेज पे मैं क्लिक करूंगा और मैं हिंदी में वीडियो बनाता हूँ, तो यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे देखने को मिल जा रहे हैं लैंग्वेजेस। तो मैं हिंदी में बनाता हूँ तो यहाँ पे मैं हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना कि आप कौन से लैंग्वेज पे वीडियो बनाते हो, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखने को मिल जाता है कैप्शन सर्टिफिकेशन, तो ये आपके किसी भी काम का नहीं है, इसको नहीं रहने देना, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और इधर स्क्रॉल करोगे तो आपको मिल जाता है टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, तो आप जो टाइटल लिखते हो और डिस्क्रिप्शन लिखते हो वो किस लैंग्वेज में लिखते हो उसको भी यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो वो मैं भी हिंदी में लिखता हूँ तो मैं यहाँ पे उसको हिंदी कर लूंगा, और आप जिस चीज में भी लिखते हो आपको वो वाला लैंग्वेज यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ पे हिंदी खोजते हैं और सेलेक्ट करते हैं गाइस। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको हिंदी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे आओगे थोड़ा सा तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कमेंट्स, तो आपके चैनल पे जब भी आप कोई वीडियो अपलोड करते हो तो कमेंट्स करने वाले लोग में कोई बैड वर्ड्स भी यूज करते हैं, मतलब कुछ गाली वगैरह का भी प्रयोग कर लेते हैं, तो अगर आपको उसको ब्लॉक करना है, मतलब आप तो 24 घंटे अपने YouTube चैनल पे बैठे नहीं रहोगे, देखते नहीं रहोगे ना कि कौन सा कौन कमेंट कर रहा है, तो कोई अगर बैड वर्ड्स कमेंट करता है तो आपको यहाँ पे टिक लगा लेना होल्ड पोटेंशियली इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स फॉर रिव्यू, जिसमें कि देख सकते हो सेकंड नंबर पे ये टिक लगा हुआ है, ठीक है। और अगर आपको एकदम पूरा स्ट्रिक्ट करना है इसको तो इंक्रीज स्ट्रिक्टनेस पे आपको टिक लगा देना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देख सकते हो ये ऑप्शन है, इस वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद आपको सिंपली नीचे सेव का इधर स्क्रॉल करोगे तो कैंसिल और सेव का ऑप्शन है, तो सेव पे आपको क्लिक कर देना है, तो आपने जो सेटिंग्स करे वो सारे सेटिंग्स यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है।
नीचे देख सकते हो यहाँ पे लिखा रहा है सेटिंग सेव्ड का ऑप्शन नीचे दिख रहा है, ठीक है, वो सेटिंग सेव हो चुका है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जो आपको अपने चैनल पे कर लेने हैं। और अभी भी आपका अगर कोई प्रॉब्लम रह गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर लिखें, मैं एक एक कमेंट्स का रिप्लाई करता आया हूं और हमेशा ही करता रहूंगा। और अगर वहां पे कमेंट्स पे अगर आपको रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है तो नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पे मैसेज कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे।